हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताया जाएगा सोलाना बेस्ड एक एयर ड्रॉप जिसको आप ज्वाइन करो और काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट आप ले सकते हो, कम से कम 100 से 200 डॉलर गारंटेड। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको टेलीग्राम पे आना है। टेलीग्राम पे आने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है रोज अर्न। आपको स्क्रीन पर टेक्स्ट नज़र आ रहा होगा। जैसे आप रोज अर्न सर्च करते हो, यहाँ पे आपके सामने 992 सब्सक्राइबर वाला चैनल देखने को मिल जाएगा। इसको आपको ज्वाइन कर लेना है। जैसे इसको आप ज्वाइन करते हो तो यहाँ पे आप देखो, आपके सामने बहुत सारे पोस्ट नज़र आने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों, आप ये वाला करना, ठीक है, ये वाला और ये वाला, मतलब कि आप ये कर लेना और फिर ये कर लेना, और भी 2-3 पोस्ट है उसको भी आप कर लेना। लेकिन आपको मेन इस वीडियो में मैंने किस पे फोकस कराया, जिसमें मैंने फोकस कराया ये सोलेनियम जो आपको दिख रहा है ना, सलीम टोकन, इस पे फोकस है मेरा मेन। तो दोस्तों, सबसे पहले आप क्लेम हेयर है ना, इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। सबसे पहले इसको कॉपी करो, इस लिंक को कॉपी करने के बाद आपको किसी ब्राउजर में पेस्ट कर देना पड़ेगा। तो मैं इसको VIA ब्राउजर में पेस्ट करता हूँ, बिकॉज मैं ऑलरेडी एक अकाउंट से लूट चुका हूँ, तो मैं दूसरे अकाउंट से लूट रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस लिंक को पेस्ट करना है। जैसे ही आप इस लिंक को पेस्ट करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको करना है कनेक्ट वॉलेट। कनेक्ट वॉलेट पर जैसे आप क्लिक करते हो, यहाँ पर अब आपको कहेगा कनेक्ट योर सोलाना वॉलेट, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करते हो दोस्तों, तो आप पहुंच जाओगे सोलाना के पेज के ऊपर। तो दोस्तों, जैसे आप इस पेज पे आ जाते हो तो यहाँ पे आपके सामने क्रिएट न्यू वॉलेट करने के लिए बोलेगा। अगर आपके पास पहले से वॉलेट है तो आपको सिंपल सा अपना पासवर्ड डाल के कनेक्ट कर देना है, ठीक है। और जिन लोगों के पास नहीं है वॉलेट, तो यहाँ से आप वॉलेट बना लेना। यहाँ पे आपको ये जो की दिख रहा है, इसको आपको कॉपी करके कहीं रख लेना है, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यू पे आप क्लिक करोगे तो उसके बाद सेम टू सेम यही की को आपको वहाँ पेस्ट करना है और पासवर्ड एंटर करना है। आपका अकाउंट जो है वो बन जाएगा। तो दोस्तों, जैसे अपने आप अकाउंट बना लोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। तो आपको वापस से मैं उस टैब के ऊपर जाकर दिखाता हूँ, और यहाँ पर हम क्लिक करते हैं सोलेट पे। तो जैसे आप सोलेट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको बोलेगा अपना पासवर्ड एंटर करने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों, जैसे अपना पासवर्ड एंटर करोगे, उसके बाद आपको ये बोलेगा कनेक्ट पे। आपको इस टिक पे क्लिक नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है आपको। सिंपल सा आपको कनेक्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप कनेक्ट पे क्लिक कर देते हो, वापस से आपको उस पेज के ऊपर जाना पड़ेगा। जैसे उस पेज के ऊपर आते हो, तब यहाँ पे बोलेगा वेरीफाई वॉलेट, ठीक है। तो वेरीफाई वॉलेट पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप वेरीफाई वॉलेट पे क्लिक कर देते हो, अब आपको वापस से उस पेज के ऊपर जाना पड़ेगा जहाँ पे आपने वॉलेट कनेक्ट किया था। तो यहाँ पे आपको एक रिक्वेस्ट आएगा, इसको आपको अप्रूव कर देना है। जैसे दोस्तों आप इसको अप्रूव करते हो, वापस से आपको उस पेज के ऊपर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, हमारा पेज जो है सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। अब आपको कह रहा है लॉग इन विथ टेलीग्राम, तो आपको लॉग इन विथ टेलीग्राम पे क्लिक करना पड़ेगा। तो दोस्तों, जैसे आप इस पे क्लिक करते हो, अब आपको कह रहा है कि एंटर योर टेलीग्राम नंबर। तो यहाँ पे जो भी आपका टेलीग्राम नंबर हो, उसको आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो फटाफट मैं अपना नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ। तो दोस्तों, अपना नंबर डालने के बाद आपके टेलीग्राम पे एक कोड आएगा, ठीक है, आपके SMS में नहीं आएगा, आपके टेलीग्राम पे आएगा। तो दोस्तों, उसके लिए आपको सर्च करना पड़ेगा ऊपर में टेलीग्राम। अगर आपका टेलीग्राम करने पे नहीं आता है, तो आपके स्क्रीन पे अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही आप उस पर सर्च करते हो, यहाँ पे आप देखो, मुझे कनेक्ट करने के लिए आ गया ऑप्शन कि कन्फर्म करें यहाँ से कि आप ही हो या नहीं। तो यहाँ से हम उसको जैसे ही कन्फर्म पे क्लिक करेंगे, तो दोस्तों जैसे आप कन्फर्म पे क्लिक करते हो, तो यहाँ पे आप देखो, आपके सामने एक्सेप्ट का एक ऑप्शन आ जाएगा। इसको हम फटाफट से एक्सेप्ट कर लेते हैं। दोस्तों, जैसे अपना आप टेलीग्राम को कनेक्ट कर देते हो, यहाँ पे अब आपको बोल रहा है कि यहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना पड़ेगा। तो फटाफट से मैं यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे अपना ईमेल कनेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे 5वें नंबर का जो टास्क है ना, इसको आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। जैसे इसको आप स्किप कर देते हो, मतलब कि छोड़ देते हो, तो आपको नीचे आना पड़ेगा, ठीक है। नीचे आने के बाद यहाँ पर अब आपको कह रहा है डिड यू पार्टिसिपेट इन आवर ट्विटर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस क्लिक पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप इस क्लिक पे क्लिक कर देते हो, तो दोस्तों जैसे आप उस पर क्लिक करते हो, यहाँ पे आपको कह रहा है फॉलो ऑन ट्विटर। तो आपको इस फॉलो वाले आइकन पे क्लिक करके इसको ट्विटर पे फॉलो कर देना पड़ेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ट्विटर का टास्क कैसे करना है, ये आपको सिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखो फॉलो ऑन ट्विटर, तो इस पर आपको क्लिक करके इसको फॉलो करना है। जैसे इसको आप फॉलो कर देते हो दोस्तों, यहाँ पे आप देखते हो, तो मैंने ऑलरेडी इसको फॉलो कर दिया है। तो यहाँ पे वापस से आपको उस पेज के ऊपर आना पड़ेगा। जैसे इस पेज के ऊपर आते हो, तो यहाँ पे अब आपको कह रहा है ट्वीट दिस ट्वीट, तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे उस पर आप क्लिक कर देते हो, तो यहाँ पे आपके सामने इसका पिन ट्वीट देखने को मिल जाएगा। इसको आपको लाइक करना पड़ेगा, और लाइक करने के बाद आप यहाँ पे एक एरो देख सकते हो, इस पर आपको क्लिक करना है।
दोस्तों जैसे आप इस एरो पे क्लिक करते हो आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, ठीक है, रीट्वीट और कोट रीट्वीट। तो आपको कोट रीट्वीट पे क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कोट रीट्वीट करने के बाद यहाँ पे आपको वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है कुछ भी आपको लिखना पड़ेगा और रेंडमली आपको तीन लोगों को यहाँ पे टैग कर देना है। जैसे आप एक काम कर देते हो तो आपको ट्वीट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ट्वीट पे क्लिक करोगे आपको वापस थोड़ा सा बैक करना है और आपको अपने ट्विटर के प्रोफाइल में जाना पड़ेगा। तो आप यहाँ से जा सकते हो। जैसे आप यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा, शेयर पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। आप ध्यान से देख लो, बार बार आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको शेयर के आइकन पे क्लिक करना है और कॉपी लिंक टू ट्वीट पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप ये काम करोगे वापस से आपको बैक चलना है सोलेनियम के वेबसाइट पे और यहाँ पे आपको ट्वीट को पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप ये काम कर देते हो दोस्तों आपका काम जो ख़त्म हो जाता है, इसको आपको सेव पे क्लिक करके छोड़ देना है। बस आपका काम यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। आप इस नंबर 5 वाले टास्क को स्किप कर सकते हो और अगर आप किसी को रेफर करते हो तो और भी आपका चांस जो है बढ़ जाता है और टोकन्स कलेक्ट करने का। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।